तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब तुम सबको पता होगा कि अक्सर मैं ये कहता आया हूँ, कहता क्या, हमेशा आपको बताता आया हूँ, तारीफ करता आया हूँ कि भाई इंडियन लॉबी से ज्यादा बीजीएमआई में कोई भी एग्रेसिव लॉबी मैंने नहीं देखी। भाई हम बहुत ट्राई हार्ड करते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ दो ही तरह की लॉबी होती है, या तो ट्राई हार्डर्स की, मतलब जो जीतने के लिए गेम वो कुछ भी करेंगे भले ही 10 मिनट तक एक ही जगह बैठना पड़ जाए, और उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है ना भाई, वो है हाइपर एग्रेसिव नकलहेड्स की, यानी कि मेरे जैसे बंदे भाई जिनको कुछ समझ में नहीं आता गेम में, उनको सिर्फ एक ही चीज पता है कि उनके हाथ में गाने सामने बंदा है तो मतलब लड़ाई करनी ही करनी है, माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, निपटा लेंगे देख लेंगे बाद में। और भाई इसी वजह से इंडियन लॉबी में खेलना बहुत डिफिकल्ट होता है, यहाँ पर समझ में नहीं आता खेले कैसे। लेकिन भाई साहब पता नहीं क्या हो गया आजकल, भाई जो कैंपिंग लॉबी मिल रही ना तुम्हारे भाई को, भाई दिल से रोना आ रहा मेरे को। फिलहाल ये स्क्वाड के 2 बंदे चटका है और फिर 2 और चटका दिए, तो ये पूरा स्क्वाड जो नीला टीम था ना भाई, पता नहीं क्यों सब नीला नीला कपड़ा पहन के आए थे, सबको चटकाया लाइन से। उसके बाद यहाँ पर एक बंदा बहुत देरी से उतरा, अब भाई देरी से आओगे तो सबसे पहले जाओगे, हमारा तो यही नियम है, तो भाई को चटकाया और बाहर किया गेम से। अब मुझे पता था अकेला तो होगा नहीं, यहाँ आया तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई टीम में डेफिनेटली होगा। तभी ये भाई साहब आए, अरे तो डायरेक्ट ही खत्म हो गए, गुस्से में तो बहुत आए थे बदला लेने, लेकिन सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा था, दम कुछ नहीं था। अब इसको टोकने के बाद मैं तो बस लूट रहा था भाई, क्योंकि थोड़ा सा लूट की कमी थी, और तभी फायरिंग वायरिंग हो रही थी, तो मेरे को पता था सामने बंदा है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि भाई मेरे पास वाले वेयरहाउस में भी बंदा है। अभी तो मेरे ऊपर फायरिंग वायरिंग हुई थी, मैंने आराम से हील करा, इस टाइम मैं बिल्कुल पैनिक नहीं कर रहा था, मैं चिल था, बिकॉज मेरे को पता था सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, जिस बंदे ने मेरे ऊपर फायर करा वो दूर है, और जो पास में बंदा है इसको तो मैं बचा ही दूंगा। बू ये तो गया, अब मुझे पता है इसका टीममेट दूसरी तरफ से घूम के आ रहा होगा इसे कवर देने के लिए, तो पहले उसको फिनिश करूंगा फिर उसको बताऊंगा। ओ भाई ये भी नॉक हुआ है, सच बताऊं तो इसको नॉक करने में मेरे को कुछ खास कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ, बिकॉज यार मेरा एम परफेक्ट नहीं था, बट फिर भी ये बंदा नॉक हो गया। तो उसके बाद फिर वहां से निकल के मैं आया जॉर्जो टाउन की तरफ, क्योंकि भैया मेरे को सिर्फ 9 किल मिल पाए जॉर्जो पूल में, और 9 किल का तो गेम प्ले बनता नहीं है, ये गेम प्ले जाएगा भाई 25 किल पार, तो भाई तुमको पता है इस गेम में आगे जाके बहुत इंटेंसिटी होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक और स्क्वाड है जिसे मेरे पेड़ को हंट करना पड़ेगा। अब इनका एक बंदा मैंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया और दूसरा दिख गया, अब ये भी मैंने नॉक कर दिया था, इसको रिवाइव देना पड़ेगा। कमाल की बात जानते हो क्या है कि इनके जो बाकी टीममेट्स हैं ना वो अपार्टमेंट्स में, तो उनको क्रॉस करना पड़ेगा, तो मैं पहले ही क्रॉस कर गया, बदले में थोड़ी सी मेरी पिटाई हो गई। एक गोली अगर और कनेक्ट हो जाती ना तो शायद तुम कोई दूसरा ही गेम प्ले देख रहे होते मेरा, लेकिन फिलहाल इधर मैं बच गया था, इसका मतलब समझ रहे हो कि ये नहीं बचेंगे। अब यहाँ पर मैं नॉक वाले बंदे को थोड़ा सा टॉर्चर कर रहा था, उसका थोड़ा थोड़ा हेल्थ कम कर रहा था, ताकि इसका टीममेट जल्द से जल्द इसको बचाने आए, और वो आया भी। टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि जब उसने क्रॉस करा तब मैंने देखा नहीं, और वो चढ़ के बैठ गया छत के ऊपर। अब ये नॉक वाला भी उधर ही जा रहा था, तो मैं जानता था कि इसका टीममेट वहीं गई है। अब ये तो फिनिश हो गया, मतलब इस स्क्वाड के 2 बंदे तो खत्म है, ज्यादा से ज्यादा 2 और बंदे बच रहे होंगे, और एक का पोजीशन मेरे को पता है, और भाई ये तो अकेला था, तो यहां पर इसको आराम से खत्म कर दिया, पूरा स्क्वाड इधर खत्म हो गया। अब मेरे 12 किल हो चुके थे, तो कुल मिला के ठीक ठाक शुरुआत थी मेरी जॉर्ज पूल की। लेकिन जब मैं गाड़ी लेके जॉर्जो टाउन की तरफ से वापस जॉर्ज पूल आया और स्क्वाड उसकी तरफ गया, तो मेरे ऊपर स्प्रे होने लगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो, यहाँ पर जब तक मैं फाइट के सिचुएशन में नहीं था, मतलब मैं उसके ऊपर रिटेलिएट नहीं कर सकता था, मैं पलट के फायर नहीं कर सकता, तब तक इस बंदे ने खूब फायर करा मेरे ऊपर। लेकिन अब देखो पीक तक नहीं ले रहा है, एक नॉर्मल बंदा जिसको ठीक ठाक बीच में ही खेलना आता है, ठीक है, और हल्का सा भी एग्रेसिव नेचर का है, तो डेफिनेटली वो पीक लेगा, वो खड़ा होकर देखने की कोशिश करेगा, अलग अलग एंगल से पीक लेगा, एंगल बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा है। मुझे पता है ये छत पे ही है और बैट की टीपी पे से देख रहा है। भाई किसी भी पट्टू की सबसे बड़ी पहचान होती है अगर वो बिल्कुल भी तुमको पीक ना दे, इसका मतलब है कि वो फुल टीपी पे के भरोसे है। तुम 1 और 1 फाइट उससे लो, तुमको अगर अपनी फाइट पे भरोसा है ना तुम जीत जाओगे।
अब देखो यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी वेट करी, मैंने उसे ऐसा दिखाया कि मैं जा रहा हूँ, पर उसने फिर भी पीक नहीं ली। वो अभी भी टीपीपी से ही देख रहा है, तो मैं समझ गया ये पीक लेगा नहीं, और इस बात का फायदा उठा के मैं अंदर घुस गया। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता चला कि वो पीक नहीं लेगा। भाई पूरा खेल माइंडसेट का है। अब इसकी कार की पार्किंग देखो, स्कॉडोस के अंदर थी, फुल डिफेंसिव है बंदा। ऊपर से ये बंदा पीक ही नहीं ले रहा था जब मैं गाड़ी चला रहा था, तो मतलब ये पीक लेगा ही नहीं, और पीक लेना चाहेगा तो ले भी नहीं पाएगा क्योंकि ये मेंटली रेडी ही नहीं है। तुम देखो मैं कैसे अंदर घुसा, दरवाजा खोल के सीधा अंदर घुस गया, और ये कैंपिंग स्पॉट पे था, आराम से खत्म करा। अब इसका टीममेट आया तो वो भी कुछ उखाड़ नहीं पाया, तो यहाँ पर मैंने दोनों खत्म करा। तो भाई इस फाइट से मैं तुमको एक टिप देना चाहूंगा कि कभी भी ओवर डिफेंसिव मत हो जाना। मैं हमेशा पछताया हूँ जब भी मैं डिफेंसिव हुआ हूँ, जब भी मैंने सामने वाले बंदे से थोड़ा सा डर महसूस किया है ना, मैं हमेशा वो फाइट हारा हूँ। और जब भी मैं चढ़ के खेला हूँ कंट्रोल वे में, ये नहीं कि बस तुम अंधों की तरह चढ़े जाओ, लेकिन अगर तुमको एबिलिटी पर भरोसा है ना, तुम अपने से बेटर अपोनेंट को हरा सकते हो। लेकिन अगर तुम डर गए ना, तुम डिफेंसिव हो गए ना, तो तुमको मार के ही मार के जाएगा, क्योंकि ये खेल पूरा मेंटेलिटी का है, ये बाद में आता है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक नॉक निकाला, अब क्योंकि ये बंदा नॉक था तो मुझे पता था उसका टीममेट भी वहीं कहीं होगा, तो मैंने थोड़ा घास पे फायर करा था, बट उधर कोई था नहीं, तो मैंने नॉक वाले बंदे को फिनिश करने की फुल कोशिश करी, और वो फिनिश भी हो गया। बट मेरे दिमाग में अभी भी एक चीज खटक रही थी कि नॉक क्यों हुआ, क्या उसका टीममेट भी उसके साथ होगा, क्योंकि गेम का एंड फेज है। ज्यादातर अगर रैंडम भी स्क्वाड होगी ना, तो भी वो इकट्ठा हो गई होगी। अब तो भाई मैं जब इधर आया ना, तो मेरे को डाउट हुआ कि वॉच टावर में डेफिनेटली कोई है। अब वो ऊपर है नीचे है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था, तो मैंने थोड़ा चेक करा। मेरा जो ज्यादातर फोकस था ना, वो नीचे था, मुझे लग रहा था ये बंदा नीचे ही है, पता नहीं क्यों लग रहा था, बट लग रहा था। तो मैंने ग्रेनेड डाला, मॉली डाला, कुछ रिजल्ट मेरे को नहीं आया, तो मैंने ग्रेनेड गुप करा। अभी ग्रेनेड एकदम परफेक्टली गया, बट कोई किल फीड नहीं आया, तो मुझे इतना तो पता चल गया बंदा नीचे नहीं, बंदा ऊपर ही है। लेकिन सच बताऊं तो मेरे दिमाग में एक डाउट था कि बंदा है भी कि नहीं क्योंकि भाई देखो स्मोक तो हुआ था, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई है, लेकिन पक्का क्या वो यहीं पर ही, क्योंकि मैंने नीचे ऊपर देख लिया, मेरे को कोई नहीं दिखा, अब एक ही जगह बच रही थी। और भाई ये देखो, अब देखो ये होता है ओवर डिफेंसिव होना, यहाँ पर ये बंदा अपना एडवांटेज खो रहा है, इसको मेरे को पुश करना चाहिए था, मैंने उसको ऑलरेडी देख लिया है और मैं ट्रोल भी कर रहा हूँ। ओ भाई साहब इजी किल थे मेरे लिए। मैं तुमको यहाँ पर भी एक टिप देता हूँ, टिप ये है भाई कि अगर तुमको कभी भी डाउट हो जाए कि जो बंदा मेरे ऊपर पुश कर रहा है वो मेरी पोजीशन जानता है, तो वो पोजीशन छोड़ दो। अगर भाग सकते हो तो भाग लो, अगर भागना चाह रहे हो, वैसे मैं भागना रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर एक ही बंदा है तो 1v1 फाइट ले लो, अगर पूरी स्क्वाड आ रही तो भाग जाओ। लेकिन अगर तुम कहीं छुप के बैठे हो और सामने वाले ने तुमको देख लिया है और तुमको इस बात का पता है कि उसने देख लिया, तो उस जगह पर कभी मत बैठो, क्योंकि वो फ्री फायर करता घुसेगा, तुम फाइट जीत ही नहीं सकते उससे। तो भाई कभी भी अपनी पोजीशन होल्ड मत करो अगर तुमको लगता है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। इसी वजह से तुम देखते होगे कि ई स्पोर्ट्स में जो बंदे होते हैं ना, वो भले एक कमरे में रहे लेकिन एक जगह कभी नहीं रुकते वो। अब देखो यहाँ तो मैं इमरजेंसी पिकअप लेके आया था भाई, क्योंकि पहाड़ी पे मेरे को पता था बंदे, और गाड़ी लेके आऊंगा तो ठोका जाऊंगा, तो मैं हवा के रास्ते आया और उनको कब बचा दिया उनको खुद पता नहीं चला। लेकिन ये दोनों के दोनों नॉक हुए थे, तो मतलब इनकी स्क्वाड अभी खत्म नहीं हुई थी, तो मैं इनके बंदों को ढूंढने लग गया। थोड़ा टाइम लगा, बट फिर नीचे से एक बंदा ऊपर आया और मैंने उसको कायदे से ऊपर पहुंचा दिया। भाई एक बार तो मेरे को लगा ये घास है, भाई गिली सूट थोड़ा ओपी हुआ जा रहा है। अब मैंने इसको फिनिश पूरी तरीके से नहीं करा, बिकॉज मैं चाहता था इनका चौथा बंदा भी मेरे को दिखाई दे, मैं उसको भी फिनिश कर लूं, बट ये पहले ही फिनिश हो गया, तो इसका चौथा बंदा तो अब आने वाला है नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जानते हो क्या है, यहाँ पर 7 बंदे बच रहे हैं, एक पूरी 4 बंदों की स्क्वाड है, एक मैं हूँ और 2 सोलो बंदे हैं, और तभी एक बंदा आया, ये पिछली स्क्वाड का आखिरी बंदा था, एक और स्क्वाड बाई। तभी मेरे को 4 बंदों से खचाखच ये गाड़ी मिली, जिसको मैंने लो तो करा था बट किसी को नॉक नहीं कर पाया। अब यहाँ पर मैं सीधा वापस पहाड़ी के ऊपर भाग गया, बिकॉज जोन यही बन रहा था और मैं अपनी पोजीशन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था, बिकॉज अगर मैं यहाँ से हटा तो वो यहाँ आ जाएंगे, और मैं सोलो भी स्क्वाड प्लेयर दोबारा कभी इस पहाड़ी को क्लेम नहीं कर पाऊंगा 4 बंदों से। अब मैंने इधर एक नॉक निकाला, बट सामने वाले के पास एमके है, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा।
अब देखो जी, जिसको मैंने नॉक कराया था ना, उसको तो रिवाइव मिल ही जाएगा, क्योंकि पूरे चार बंदे कोई ना कोई तो रिवाइव कर ही देगा उस एक बंदे को। तो मैं जानता था कि भाई इस स्पॉट को खत्म करना आसान होने वाला है नहीं, लेकिन मेरे पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज था ना, वो हाइट का था। अगर जोन इधर बन गया ना गलती से भी, भाई गारंटी ले लो मेरे से, ये स्क्वाड ऊपर नहीं आने दूंगा मैं, खत्म है, चिकन डिनर मेरा है। तो यहां पर बस मैं एक ही काम कर रहा था, मैं चाह रहा था कुछ भी करके एक आध नॉक को फिनिश कर दूं, या फिर इनके हेलमेट बस तोड़ दूं, ताकि जब ये गाड़ी से आए तो मेरे को टकटक उतारने में कोई दिक्कत ना हो इनको। लेकिन अभी भी पजल का एक पीस बच रहा था, वो सोलो बंदा नहीं मिला अभी तक मेरे को, क्योंकि भैया देखो सामने पूरी स्क्वाड है, एक मैं हो गया, पांच बंदे, छठा बंदा कहाँ है वो अभी तक मेरे को नहीं पता था। और ये चीज भाई बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, बिकॉज मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई मेरे को पीछे से चुपचाप आके बचा के चला जाए। अब इधर मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ दिया, हुआ क्या कि फायरिंग हुई। अब मैं समझ गया कि भाई साहब आखिरी बंदा किधर है, मैंने उधर देखा एडीएस लेके, मेरे को बंदा मिल गया। मैं फिनिश नहीं कर पाया, बट मैंने बहुत लो करा था, और जिस बंदे को मैंने लो करा है ना, उसने सामने वो जो स्क्वाड है ना, उसका एक बंदे को बहुत लो करा है, तो मेरे को पता था वो स्क्वाड मेरे से अभी फाइट लेगी नहीं। लेकिन मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी अपने आप को एक्सपोज करने, ये कवर में बैठे बैठे मैंने आखिरी बंदे को आराम से एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पर भाई प्योर सोलो वी स्क्वाड वाली फाइट थी, मेरे सामने चार बंदों की फुल स्क्वाड, मैं अकेला। चिकन डिनर जीतने के चांसेस नंबर वाइज तो उनके पास है, बट पोजीशन मेरे पास है। अगर जोन ने साथ दिया भाई, चिकन डिनर तुम्हारे भाई की जेबा में है। लेकिन फिर मैंने शुरू करे M4 के कातिल स्प्रे, एक नॉक करा, दूसरा भी नॉक करा, और एक तो ऑलमोस्ट फिनिश भी होने वाला है, तीसरा नॉक करा। अब सिर्फ एक बंदा बच रहा था और गेम पलट चुका था मेरी जान। अब देखो यहां पर मैंने इस बंदे को तो फिनिश कर दिया, एक बंदा ये देखो गया ना पीछे, वहां पर एक रेज है यार, उसके पीछे वो पहुंच गया, और अब तो उसको रिवाइव मिल जाएगा। तो मुझे पता था कि दो बंदे अभी मेरे सामने हैं जो मेरे ऊपर पलट के फायर कर सकते हैं, एक बंदा अभी भी नॉक पड़ा है इनका, मतलब सिचुएशन अभी भी मेरे फेवर में तो नहीं है, और जोन ने भी मेरा कुछ खास साथ दिया नहीं भाई। अब मैं एक बात तो जानता था कि मैं यहां पर अब ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट टिक सकता हूं, उसके बाद जोन मेरे को यहां से निकालेगा, तभी इनका एक बंदा फिनिश हो गया। तो 1v2 हाँ ये डुएबल है, लेकिन जोन में जाना अभी भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब तक मैं इस पहाड़ी पे हूं, मुझे कुछ भी करके चिकन डिनर करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी से मैं नीचे नहीं जा पाऊंगा, और जो पीछे प्लेन है वो तो यूजलेस है। अब यहां पर मेरे को थोड़ा सा इन लोगों ने स्पॉट कर लिया था, और अब ये रिटेलिएट भी करने लगे थे। पहले क्या हो रहा था, ये मेरे ऊपर फायर नहीं कर रहे थे, इनकी फट गई थी, लेकिन अब ये फायर कर रहे थे। तो मैंने पोजीशन चेंज करी, एक नॉक निकाला, आखिरी बंदे को हेडशॉट, बॉडी शॉट, फट गई उसकी, खत्म है मामला। अब तुम ये चीज तक देखना कि अब मैं क्रोजा से इनके ऊपर फायर करूंगा। मैंने बॉदर ही नहीं करा M4 रीलोड करना भाई, आखिरी बंदे को तो ग्रोजा ही सही ठोकूंगा मैं, वो भी स्कोप लगा के। क्या बोला था, कतई इजी चिकन डिनर।